एक और बड़ी खबर यहां आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, असम राज्य सरकार, यूआईडीएआई और भारत के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस टीएमसी नेता सुष्मिता देव की ओर से दायर एक याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें असम में 8 लाख से अधिक लोगों के बंद हो चुके बायोमेट्रिक्स को फिर से जारी करने की मांग की गई है। ये ऐसे लोग हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स एनआरसी डेटा को अपडेट करने के लिए लिए गए थे। और सीधे और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी सहयोगी मीनाक्षी भांजा, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मीनाक्षी बताइए, और क्या कुछ जानकारी है इस खबर से संबंधित? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक पॉलिटिकल मामला बन सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक औपचारिक रूप से एडमिट कर लिया है उच्चतम न्यायालय ने, और ये याचिका जैसे आपने सही फरमाया दायर किया है तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा एमपी सुष्मिता देव। इसकी वजह से इस याचिका में और ज्यादा पॉलिटिकल एक बल पड़ जाता है, आ जाता है अपने आप। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि केंद्र सरकार और असम सरकार और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि यूआईडीएआई है, वो आगे चलकर अपना पक्ष या अपना जो स्टैंड है वो कितनी कन्विंसिंगली सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है, क्या उच्चतम न्यायालय इनके स्टैंड से कन्विंस होगी ना होगी, ये सारे अहम सवाल हैं जो आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होगा इन जवाबों पे निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन सकता है, इसका पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा एमपी सुष्मिता देव ने याचिका लगाई है, और जैसा आपने सही फरमाया ये 3 जज बेंच कॉम्पोजिशन है, ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविन्द्र भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जिन्होंने आज ये जवाब दायर किया है, जवाब तलब किया है केंद्र सरकार से। सुष्मिता देव ने अपनी याचिका में ये कहा है कि कम से कम 21 लाख यानी कि 21 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम एनआरसी में एडमिट था, और वो जो फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट थी 31 अगस्त 2019 की, उसके बाद फिर से ये पूरा विवाद जो है वो जारी हो गया है। जी जी जी, मीनाक्षी आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।